Hey everyone, welcome to Clat Point. Let's start today's the Hindu News discussion जो कि Clat A-Lit, DU-LLB, LLM, NLSAT and other law entrance test आप 2022 या 23 में देंगे, आप लोगों के लिए important हो सकता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। मैंने आपसे कल क्योंकि क्विज नहीं किया था, जल्दी जल्दी में सेशन लिया था। परसों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था नेम द स्किन टू स्किन जजमेंट, तो जो सतीश रागडे करके जवाब आया था सभी का बिल्कुल सही था। महाराष्ट्र हाईकोर्ट का ये मामला था, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके तब्दील हो गया था। आज का मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, और सभी लोग कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट किया करिए, गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, लेकिन तब भी जवाब देने की कोशिश किया करिए कि किस दो आर्टिकल के अंदर जो है आपके पास पावर है फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जाने की। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद या कौन सा आर्टिकल आपको ये पावर देता है कि इफ कोई आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जा सकते हैं। वो दोनों आर्टिकल किस किस के लिए हैं वो भी लिखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। उससे पहले अगर आप लोग क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, DU-LLB, NLSAT, A-Lit UG एंड PG की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे मॉक्स एंड कोर्सेज परचेस कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। डेमो लेक्चर्स भी ऐप पे अवेलेबल हैं तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का जो एडिटोरियल है कुछ इस प्रकार से ये पेज है। यहाँ पे देखिए रशिया के बारे में यूक्रेन क्राइसिस से रिलेटेड आर्टिकल आया है, तो इसको मैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ कि कोई मूवी है, ठीक है, आपसे किसी ने कहा कि जाके मूवी को रिव्यू करो, ठीक है, मान लो कश्मीर फाइल्स को रिव्यू करने को कहा। अब आप जाके मूवी देखने लगे, 10 मिनट में आपसे कहें कि नहीं भाई फिर से रिव्यू, इसका रिव्यू बताओ, 15 मिनट में बोले रिव्यू बताओ, जब हाफ टाइम होता है तब बताएं रिव्यू बताओ, तो अब नहीं बता पाओगे ना। तो रशिया यूक्रेन का जो स्टार्टिंग का जितना भी मुद्दा है ना वो हमने सब समझ लिया है। अब ये वॉर जब फाइनली कुछ डिसीजन पे आ जाता है ना तब इसको डिटेल में देखेंगे, जिससे कि तब आपके जो काम का एग्जाम में कुछ निकले वो देखा जाए। अब बीच बीच में तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, उसी से रिलेटेड आर्टिकल आते रहते हैं, तो ये मेरा आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि इस वाले टॉपिक्स को आप भी अब स्किप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और फर्जी चीज़ों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे वैसे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से नहीं है, रशिया की हिस्ट्री इन्होंने लिखी है और बहुत ही सार्केस्टिक वे में लिखी है, तो चाहो तो पढ़ लेना, दरअसल कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए दो आर्टिकल जो है ना इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, इंडिया चाइना की इकोनॉमी को कंपेयर किया गया है, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे एक अच्छा आर्टिकल है, इसको भी आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो ऑयल और गैस के पैसे बढ़े हैं उसके बारे में डिस्कशन है, इसको हमने कल भी देखा था, थोड़ा सा हम आगे देख लेंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। जो ये पहला आर्टिकल है ना टायर्ड एंड रिटायर्ड, ये क्या है? देखिए एक्चुअली एक खिलाड़ी हैं, टेनिस प्लेयर हैं, और इनका नाम है एशलेक बार्टी। काफ़ी फेमस ये टेनिस खिलाड़ी थी, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है एट द एज ऑफ 25। तो ये एक आर्टिकल आया कि इतने यंग एज में इन्होंने रिटायरमेंट ली है। ये ऑस्ट्रेलिया ओपन की विनर हैं, फ्रेंच ओपन की विनर हैं, विंबलडन की विनर हैं, यूएस ओपन में इन्होंने कभी जीत नहीं प्राप्त करी है। हाईएस्ट रैंकिंग 2019 में नंबर 1 पे भी ये थी। अगर टेनिस की हम बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ कि विश्व के जो चार फेमस कप होते हैं टेनिस में, होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, और ये चारों ही जो मतलब जो टेनिस के बड़े इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होते हैं अलग अलग ग्राउंड्स में होते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में होता है, फ्रेंच ओपन मड कोर्ट या क्ले कोर्ट में होता है जिसका राफेल नडाल चैंपियन कहलाते हैं, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट में होता है, यूएस ओपन हार्ड कोर्ट में होता है। हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ देखी थी कि ऑस्ट्रेलिया में जोकोविक साहब को जाने नहीं दिया गया था ऑस्ट्रेलिया ओपन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको आई थिंक क्लियर हुआ हो। ये आर्टिकल क्या आया था, एशलेक बार्टी से ऊपर आया था, ये क्रिकेटर भी थी, तो यहाँ पे लोग एक गेम में अच्छे नहीं हो पाते, दो दो गेम में अच्छी थी। चलिए कुछ भी पर्सनल रीजंस भी कारण हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ समय पहले नाओमी ओसाका जी ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं डिप्रेशन का शिकार थी, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, और इन्होंने क्या किया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्किप किया था टेनिस के मैच के बाद, जो कि कंपलसरी होती है, उसके बाद इनके ऊपर फाइन भी लगाया गया था, तो उसके बाद इन्होंने ये कहा था। तो बहुत बार ऐसा होता है खिलाड़ी लोग जो है ना वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं। क्रिकेट में भी आपने बहुत बार देखा है, मैक्सवेल जो हैं उन्होंने बीच में इनडेफिनेट टाइम के लिए ब्रेक ले लिया था। एक ट्रॉट करके खिलाड़ी थे इंग्लैंड के, बहुत अच्छे टेस्ट बैट्समैन थे, उन्होंने बीच इनिंग्स के अंदर मेंटल हेल्थ के चक्कर में मैच छोड़ दिया था। तो ये चीज़ें इन खिलाड़ियों को, बड़े बड़े क्रिकेटर्स को सुननी पड़ती है। आप विराट कोहली की कभी कोई कॉन्फ्रेंस सुनिए, स्पीच सुनिए, तो वो यही कहते हैं आई मिस माई दोज डेज जब मैं फ्रीली कहीं निकल सकता था। तो ये जितनी भी लाइफस्टाइल होती है ना ये अच्छी तो होती है एक पॉइंट तक, लेकिन प्रॉब्लम ये कि इसके साथ ना आप नॉर्मल लाइफ अपनी खो चुके होते हो, तो बहुत सारे लोग इस वजह से भी चीज़ों को छोड़ देते हैं। अब एशलेक बार्टी का क्या रीज़न था अभी ये तक तो ये चीज़ तो एग्जैक्टली क्लियर नहीं है।
अब देखिए टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज भी आता है, तो थोड़ा सा यहाँ से भी देखेंगे और एडिटोरियल एक दो जो है वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आया है कि इंडिया गोइंग ग्रीन, 1,60,707 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑलरेडी रोड पे हैं और फ्यूचर में और होंगे, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। इसके बाद है MAHSR लैंड एक्विजिशन, ये क्या है, तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन का काम काफी समय से रुका हुआ था, इसीलिए ये प्रोजेक्ट रुक गया था। जापान जो है इसमें भारत की मदद कर रहा है, बट अब वापस इस पे काम चालू हो गया है। यहाँ पे क्या इतने फॉरनर्स इंडिया के जेल में हैं, पोलैंड एक्सपेल्स इतने रशियंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट कंट्रोवर्सी, द कंट्रोवर्सी ओवर द प्रपोज मेकादातु वाटर प्रोजेक्ट। मेकादातु वाटर प्रोजेक्ट के बारे में हमने पहले भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आज थोड़ा सा फिर देख लेते हैं। ये देखिए 9000 करोड़ का प्रपोज ऑन्टीकुडलू इन कर्नाटका का ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट साइट जो है वो कावेरी नदी एंड इसकी ट्रिब्यूनल जो है अर्कवती, दोनों नाम ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी जो मेन रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है अर्कवती, उसके ऊपर यहाँ पे प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। बेसिकली इस प्रोजेक्ट का पर्पस क्या था, मैंने बताया था कि बेंगलोर में जो वाटर की कमी हो जाती है उसकी फुलफिलमेंट करी जा सके, बट और 400 मेगावाट ऑफ पावर भी जनरेट करेगा। पर तमिलनाडु को ये दिक्कत हो रही है भैया कि ये कैसे कर रहे हो आप, यहाँ पे ये है आप कैसे कर रहे हो, कावेरी नदी का यूज आप इन अपने कामों के लिए कैसे कर रहे हो। अब आप कहोगे सर ये क्यों, क्योंकि देखिए ये मामला ना आज का नहीं है, कावेरी नदी जो है इसका डिस्प्यूट काफी समय से पहले का है और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सबसे ज्यादा जो है कर्नाटका यूज कर सकता है, फिर तमिलनाडु कावेरी नदी के पानी को यूज कर सकता है, देन केरला, देन पुंडुचेरी। और अभी जो है तमिलनाडु ने इसी पर ऑब्जेक्शन उठा दिया है कि भैया ये तो और ज्यादा यूज करने के चक्कर में है, जो कि गलत है। जो कावेरी नदी देखिए कुछ इस तरीके से बहती है एंड बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, इसको पोन्नी रिवर के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं कि पोन्नी रिवर कौन सी रिवर है, तो ध्यान रखिएगा कावेरी रिवर को ही पोन्नी रिवर भी कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आज फिर हमने एक बार देख लिया है। काफ़ी सारे हमारे मित्र जो हैं वो कहते हैं सर आप पीडीएफ नहीं डालते हैं, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आज से जो है पीडीएफ सेशन के जस्ट बाद में डालता रहूँगा, आप परेशान ना हुआ करिए। और वीडियो जब मैं लिंक शेयर करता हूँ ना टेलीग्राम चैनल पे, उसी के ऊपर मैं डाल देता हूँ पीडीएफ, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, सीधे क्लैट पॉइंट भी सर्च कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद देखिए भारत में सिर्फ कावेरी नदी को लेके स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे नदियों को लेके डिस्प्यूट है, जैसे कि रावी एंड बीस का पंजाब हरियाणा राजस्थान में चल रहा है, नर्मदा का एमपी गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान में है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये नहीं है, थोड़ा सा नॉलेज के पर्सपेक्टिव से है, सुन लो। मंडल, मंदवी, महदई जो है इसे गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये तीनों एक ही रिवर का नाम है। कृष्णा रिवर को लेके महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में है। गोदावरी रिवर का है, पेरियार रिवर का है, और फिर इस तरीके से और भी रिवर्स के डिस्प्यूट भारत में अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पे होते हैं। इवन अब तो ये भी कहा जाता है कि अगला वर्ल्ड वॉर जब होने वाला होगा तो वाटर के ऊपर ही होगा, क्योंकि वाटर क्राइसिस आज नहीं तो कल फ्यूचर में होने वाली है। बाकी देखते हैं क्या पता तब तक खारा पानी को, जो समुद्र का पानी है उसको कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी आ जाए, वैसे तो संभव कम ही लगता है लेकिन कुछ भी हो सकता है। अब टेक्स्ट 10 वाले पेज में ना एक आर्टिकल आया है, द न्यूट्रिशन फॉलआउट ऑफ द स्कूल क्लोजर। देखो बेसिकली क्या है, हमारे देश में एक मिड डे मील स्कीम होती थी जिसमें हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको खाना प्रोवाइड करने की बात होती थी। मिड डे मील स्कीम का जो है ना कॉन्सेप्ट होता था कि 450 जो है कैलोरी जो है एनर्जी की वो आपको दी जाएगी और 12 ग्राम्स प्रोटीन मिनिमम दिया जाएगा। वैसे तो ये आंकड़ा भी बहुत गलत है, क्योंकि प्रोटीन का तो ये होता है कि जितना आपका नॉर्मल बॉडी वेट होता है उसका आधा तो कम से कम मिले। अब 12 ग्राम तो बहुत ही कम प्रोटीन का मात्रा है पर डे, लेकिन ठीक है कुछ ना से कुछ बेटर है। तो 2006 में ये सारी मिड डे मील स्कीम आई थी, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुई थी, उसमें 450 कैलोरी का खाना आपको प्रोवाइड करने की बात हुई थी। लेकिन क्या हुआ कि कोविड पेंडेमिक के दौरान ना चीज़ें रुक गई थी, फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा भी है कि स्टार्ट करो इसको, चीज़ें करो, लेकिन बहुत सारे स्टेट ना इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। तो इसी की वजह से काफ़ी सारे जो लोग इसके डिपेंडेंट थे खाना खाने के लिए, भोजन के लिए स्टूडेंट्स डिपेंडेंट थे, वो अब उनको खाना नहीं पहुंच पा रहा, जिसके वजह से ये कंट्रोवर्सी जो है काफ़ी अभी न्यूज़ में है। कंट्रोवर्सी तो छोड़िए, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि एक आम बच्चे का काफ़ी जो है नुकसान हो रहा है। 1995 में लॉन्च टू कवर प्राइमरी स्कूल्स, 2001 में इसको यूनिवर्सल कर दिया गया था ऑल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के अंदर, 2007 में एक्सटेंडेड टू अपर प्राइमरी स्कूल, 2009 में राइट टू चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, 2009 आया था तो उसमें खाने की बात हुई थी, फिर 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2009 के अंतर्गत जो है काफ़ी सारी चीज़ें करी गई थी, और ये भी कहा गया था कि 14 साल से कम तक के बच्चों को जो है फ्री में खाना मिलना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें पुरानी समय से चली आ रही हैं लेकिन प्रॉपरली अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया आफ्टर कोविड काफ़ी सारे स्टेट्स में।
अभी देखो माल न्यूट्रिशन जो है ना वो एक गंभीर समस्या है, और इस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि डिफरेंट टाइप के माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि एक होता है वेस्टिंग या वेस्टेड जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है आपका वेट ना हाइट के अनुसार कम होता है, स्टंटिंग होती है, स्टंटेड बोलते हैं, लो हाइट होती है फॉर एज, आपकी हाइट नहीं बढ़ पाती है, अंडर वेट मतलब आपकी एज के अनुसार आपका वेट कम है। तो ये तीन तरीके की आपकी माल न्यूट्रिशन की मेजर प्रॉब्लम है। कभी कोई पूछ ले वेस्टिंग क्या होती है, स्टंटिंग क्या होती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आर्टिकल आया था ग्लोबल अनसर्टेनिटीज इंडिया ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे इकोनॉमी की बात हो रही है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी अभी डामाडोल चल रही है आफ्टर कोविड, और ऐसा ऐसा यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। एक इससे एक जो काम की चीज़ आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझो, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेज इकोनॉमिक ग्रोथ। कहीं पे आप पढ़ोगे इकोनॉमिक ग्रोथ, कहीं आप पढ़ोगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दोनों चीज़ सेम नहीं है, दोनों चीज़ डिफरेंट है। ज़्यादा अच्छा क्या होता है, तो ज़्यादा अच्छा होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्यों? देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर ना सिर्फ नंबर्स की बात होती है कि GNP GDP ये सब इतना बढ़ा, पर कैपिटा इतना बढ़ा, ये आंकड़े हैं, फला फला चीजें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आप देखते हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा जाता है कि भैया आपकी इकोनॉमी से आपके देश की जनता की जो हालत है वो कितनी बढ़ी है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कंपेटिव टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि ठीक है आंकड़े में कितना भी चीज़ें बढ़ी हों, अगर आम आदमी जो है या फिर जो देश की जनता है अगर उसकी लाइफ स्टाइल नहीं इंप्रूव हो रही है तो क्या मतलब है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ध्यान रखिएगा। बाकी आर्टिकल में तो वही बकवासी लिखी हुई है जो हमको पता है। अब आज की कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। फ्यूल प्राइस हाइक स्पार्क्स अप्रोर इन पार्लियामेंट। तो फ्यूल प्राइस देखिए आपको बताया था मैंने 80 पैसा जो है डीजल और पेट्रोल में बढ़ गए हैं, LPG सिलेंडर 50 रुपये बढ़ गए हैं, जो कि अपने आप में ताज्जुब की चीज़ है, महंगाई तो बढ़ ही रही है। एक्सपोर्ट क्रॉस $400 बिलियन एनुअल टारगेट एज गुड्स शिपमेंट जंप्स। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत का एक्सपोर्ट जो है वो $400 बिलियन के आसपास का हो गया है, ये बड़ी अच्छी बात है। इसी में एक बात और है कि यार श्रीलंका की इकोनॉमी तो बिल्कुल डामाडोल हो चुकी है, आज इसमें न्यूज़ में तो कहीं ऐसा सच कवर नहीं था, बट मैंने शायद कल आपको बताया भी है। और क्या कारण है, तो मेजर कारण ये कि वहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है, दूसरा इतना ज़्यादा इन्होंने डेट ले रखा है कि क्या बताया जाए, गवर्नमेंट की जो इनकी अभी पॉलिसीज है वो बिल्कुल बेकार है। तो इस तरीके से कुछ कारण है जिसकी वजह से श्रीलंका जो है ना अभी बिल्कुल खस्ती हालत में, वहाँ पे आप सोचिए पेपर ख़त्म हो गया है, पेपर मतलब कागज़ ख़त्म हो गए हैं, जिसके वजह से अब वो कुछ एक्सपोर्ट कुछ इम्पोर्ट नहीं कर पा रही है श्रीलंका। क्यों? क्योंकि उनके पास डॉलर भी नहीं है, अब डॉलर में ही इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं तो वो भी नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही है, उनके फॉरेन रिजर्व भी ख़त्म हो रहे हैं। तो पेपर ना होने की वजह से वहाँ पे एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए, स्टूडेंट्स का फ्यूचर पता नहीं कहाँ लटक चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखते हैं क्या होता है श्रीलंका के साथ। और इंडिया तो ठीक कर ही रहा है, अभी हमने भी उनकी मदद करी है, चाइना फिर मदद के लिए आ रहा है, लेकिन चाइना मदद करता है और कुछ एक हाथ से ले भी लेता है। आपको हबन टोटा पोर्ट मैंने बताया था, वो याद ही होगा। एक बड़ा हम मार्शल रेप सॉरी मैरिटल रेप मैरिटल रेप मैरिटल रेप पढ़े जा रहे थे काफ़ी दिन से, और फाइनली यहाँ पे एक हाईकोर्ट ने हिम्मत करते हुए डिसीजन ले दिया है, और हाईकोर्ट अपहोल्ड चार्जेस अगेंस्ट अ हस्बैंड फॉर रेपिंग वाइफ। मैरिटल रेप के अंदर यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट रख दिया गया है, बोला गया है रेप इज़ रेप, फिर चाहे वो शादी के बाद हो चाहे शादी से पहले हो, और इसमें लोगों के अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं। हमने यहाँ पे इसके बारे में देखा था कि आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है, अगर किसी महिला के साथ शादी के बाद जो है वो रेप किया जा रहा है। हमारा जो IPC है उसका सेक्शन 375 में एक एक्सेप्शन है जो ये कहता है कि पति का पत्नी के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करना जो है वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये इस एक्सेप्शन को हटाने के लिए काफ़ी हमारी पार्लियामेंट कोशिश कर रही थी, उस पर उन्होंने सजेशन मांगे थे, फिर हम यहाँ पे उस पर तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ने यहाँ पे अपना फैसला उठा दिया है और उन्होंने कह दिया है कि भैया रेप इज़ रेप, और चाहे आप हस्बैंड हो चाहे आप नॉर्मल बंदे हो आपको रेप के कैटेगरी में डाला जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है, इसका मिसयूज़ तो होने के बिल्कुल चांसेज हैं अगर ये लॉ बन के कल पार्लियामेंट के थ्रू भी आता है। तो कुछ ना कुछ रेमेडीज़ भी देनी चाहिए, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है हमारा, उसमें हम देखते हैं कि 498A वाले में कितना ज़्यादा मतलब गलत केसेस भी फाइल कर दिए जाते हैं। तो मिसयूज़ तो होता है जब भी कोई चीज़ आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको जेन्युइन नीड है उसको भी आप इस नीड से बाहर कर दो। तो बहुत अच्छा कानून है, आना भी चाहिए, लेकिन बस ये कि कुछ रेमेडीज़ के साथ आए जिससे कि जो मिसयूज़ करे उसके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाए, और अगर वो करता है तो बाद में पकड़ाए तो उसको भी सजा मिले, कुछ इस तरीके की चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। अब कुछ आंकड़े हैं, ये हमने ऑलरेडी मैरिटल रेप इतनी बार डिस्कस किया है, देखा हुआ है कि भैया 104 कंट्रीज़ के अंदर जो है मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज है, सऊदी अरेबिया इंडिया पाकिस्तान चाइना में नहीं है, और आई थिंक 35 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे नहीं है, इंडिया भी उसमें से एक है, ठीक है।
चाइना रशिया कैंट बी आउस्टेड फ्रॉम G20। चाइना ने अपने मित्र रशिया के स्टैंड लिया है और यूएस को और बाकी कंट्रीज को साफ साफ कह दिया है कि भैया G20 कंट्रीज में से रशिया को तुम बाहर नहीं निकाल सकते। और चाइना की सुनी भी जाएगी, बड़ी इकोनॉमी है। G20 कंट्रीज कौन सी होती हैं, उनको याद करने का एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। गुरुजी सीता अब SSC FCI में, ठीक है, है, अब ऐसे याद कर लो, गुरुजी सीता अब SSC FCI में है। अब गुरुजी से बन गया, गुरु से जर्मनी, USA, रशिया, UK, जी से जापान, इंडिया, सीता से सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अब से अर्जेंटीना, ब्राज़ील, SSC से साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कैनेडा, FCI से फ्रांस, चाइना, इटली, और मे से मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा, G20 कंट्रीज़ कौन सी होती हैं, ये शॉर्ट तरीका था। और चाइनीज़ फाइनेंस मिनिस्टर टू मीट जयशंकर, दोवल साहब ने ऐसा बोला, ये तो पहले भी हमने न्यूज़ देख ली थी, पर एक अच्छी चीज़ है और चाइना इंडिया के रिलेशन बेटर हो। LAC का तो देखो जो प्रॉब्लम है वो साइड में चलता रहेगा, लेकिन इंडिया चाइना इस चीज़ पे काफ़ी बेटर है कि वो LAC के मामले को सेपरेट रखते हैं और आपस में जो टाइज होते हैं उसके मैटर को अलग रखते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद है जस्टिस डेवलपमेंट नाउ रीचिंग J&K। सीतारमन जी ने ऐसा बोला है कि जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट आ रहा है, जस्टिस आ रहा है, जस्टिस पहुंच रहा है, इस तरीके की बातें रखी गई हैं। आर्टिकल 355 नीडेड इन बंगाल अधीर, तो यहाँ पे क्या है, देखिए 355 की बात क्यों कर रहे हैं, प्रेसिडेंट रूल होता है, वेस्ट बंगाल में काफ़ी सारा वॉयलेंस हो रहा है हिंदुओं के अगेंस्ट में, उसी की बात यहाँ पे करी जा रही है। एक्ट अगेंस्ट अटैक ऑन रिलीजियस माइनॉरिटीज, ठीक है। तो दिस इज इट गाइज, दिस इज हमारा आज का सेशन, एक बार रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने आर्टिकल 355 के बारे में देखा, यहाँ पे हमने गुरुजी सीता SSC FCI में नहीं है, G20 जो ग्रुप है इसके बारे में हमने जाना। देन चाइना जो कह रहा है कि रशिया को आप G20 से बाहर नहीं निकाल सकते हो, मैरिटल रेप पे हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया है, फ्यूल प्राइस हाइक जो है उसका बवाल हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, मेल न्यूट्रिशन की क्या समस्याएं होती हैं, इसके अलावा मेजर इंडियन रिवर डिस्प्यूट्स क्या हैं, कावेरी वाला देखा, अभी मेकर दत्तू प्रोजेक्ट वाला देखा, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट में कुछ और बातें लिखी थी वो हमने देखा, एक बड़ा मामला है SLAC भाटी जी के बारे में, तो ये हमने जाना। और इसी के साथ आज का हमारा सेशन हो जाता है ख़त्म। आप लोग चाहें तो इन कोर्सेज में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, ऑल्सो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है सेशन की PDF के लिए, एंड बहुत कुछ आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं हम लोग जल्दी। हमारा हमने ऑफिस भी अभी एक दो, कल मेरी क्लास इसलिए भी लेट हुई थी, ऑफिस हमने शिफ्ट किया है नई जगह पे, चल रहा है, अंडर प्रोसेस है, ऑफिस बड़ा कर रहे हैं, टीम बड़ी कर रहे हैं, और आप लोगों के लिए और चीज़ें बेटर तरीके से लाई जाएंगी। मेनली देखिए जो हमारी क्लासेस हैं ना वो हमारे ऐप पे चलती हैं, जो पेड कोर्सेज होते हैं उसमें चलती हैं, तो आप जो हैं कोर्सेज के डेमो देख सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू, और चाहें तो उसमें अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। दिस इज़ माई गारंटी कि इतने मिनिमम प्राइस में इतना अच्छा कोर्स आपको कोई नहीं देगा, और चाहे आप किसी भी हमारे कोर्स को उठा के देख लो, मार्केट से आपको बहुत कम प्राइस मिलेगा। और ये मेरा हमेशा से था कि क्लैट और लॉ एंट्रेंस टेस्ट में जो ये एक्स्ट्रा फीस कोचिंग इंडस्ट्री लेती है ना, क्या मतलब, इतना तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो वो मेरा कंसर्न था। तो आप क्लैट UG, PG, DU LLB, NLSAT, ALET, UG, PG किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आप हमारे ऐप की तरफ एक बार देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद, जय भारत।